स्वामी जी ने शिक्षा की जो मशाल जलाई है उसी की रोशनी को उधार लेकर कई छात्र अपने जीवन को रोशन कर रहे हैं और अपने देश में और दुनिया के और देशों में अपना नाम और अपने देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं। तो यहाँ पर लक्ष्य राठ द्वारा टेट का एक स्पेशल जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया था, तो हम जानते हैं यहाँ पर छात्राओं की अच्छी खासी संख्या है। कैसा एग्ज़ाम रहा आपका? अच्छा रहा। पेपर कैसा था? अच्छा था। कैसे कैसे पढ़ते हैं, कितने घंटे स्टडी होती है, कौन सा कोर्स पढ़ते हैं, कौन सी किताबें पढ़ते हैं? यहाँ पर लड़कियों की अच्छी खासी संख्या रही है, तो जो लड़कियाँ घर में बैठती हैं पढ़ाई नहीं करती उनके लिए क्या कहेंगे आप? एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? अच्छा रहा एग्ज़ाम। चलिए बढ़िया, आप भी अपना नाम बताएंगी। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका आज? कितने घंटे पढ़ाई करते हैं घर पे आप? 4-5 घंटे। कुछ किताबें जो आप पढ़ती हो, आप और लोगों को पढ़ाना चाहें, अच्छी किताबें हो, कौन सी किताबें, कुछ किताबों के नाम बताइए जो आप पढ़ती हो। अच्छा, उन्हीं से पढ़ते, मतलब कोई किताब अगर एक दो नाम कहें हम कि नाम आप बताइएगा। चलिए बढ़िया, कुछ छात्र भी यहाँ पर हैं, उनसे भी मैं आपको मिलवाता हूँ। सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। जी सर, मेरा नाम राघवन सिंह है। एग्ज़ाम कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम सर बढ़िया रहा। कितने घंटे पढ़ाई करते हैं उनमें? सर अभी नॉर्मली 4-5 घंटे पढ़ लेते हैं। सरकार से क्या आशा है जो एग्ज़ाम अभी आने वाले हैं, जैसे जनरली क्या होता है कई सारे एग्ज़ाम्स होते जो लटक जाते हैं, तो इस गवर्नमेंट से पहली बात गवर्नमेंट को लेकर क्या सोचते हैं आप, क्या लगता है फ्यूचर में आपको? चुनाव को देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी वैकेंसी निकालेगी, ऐसी संभावना हम सभी छात्र रखते हैं। बिल्कुल, भविष्य में आप भी अपना भविष्य तो सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ ही साथ अध्यापक बनेंगे तो और छात्रों के जीवन में रोशनी फैलाएंगे। बिल्कुल सर। तो मुझे बताइए कितने घंटे पढ़ाई करते हैं, कौन कौन सी किताबों से पढ़ते हैं? 7-8 घंटे पढ़ाई करते हैं, अभी तो TET का मैटर ही पढ़ रहे हैं और सुपर टेट का जो टेस्ट आने वाला है उसके लिए हम तत्पर हैं, और जो अभी एग्जाम हुआ है इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारी तैयारी कितनी है। मैं लक्ष्य परिवार के लिए एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने बहुत बड़ा सराहनीय काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद। कौन कौन सी किताबें पढ़ते हैं, कौन कौन सी किताबों से तैयारी करते हैं आप? सबसे पहले तो नाम बताइए अपना। यशेंद्र राजपूत। कौन कौन सी किताबों से पढ़ते हैं? आज का पेपर कैसा रहा? आज का पेपर ठीक है, ऐसे ही कराते हैं। बिल्कुल, कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। क्या फ्यूचर में जो है बच्चों को लेकर टीचर बनने वाले हैं, ये फील्ड आपने चुनी है, तो कुछ खास संदेश जो अभी तैयारी करेंगे टीचर को लेके या बच्चों को लेके, खास संदेश कोई? वही है कि बच्चों नई शिक्षा नीति उसी को पढ़ा जाए पार्ट टाइम के हिसाब से, खेल भी ये सब। उत्तर प्रदेश सरकार को लेके क्या कहना है आपको, खासतौर पे युवाओं को रोजगार देने के मामले में? अब जब 4 साल से नहीं मिला तब पता नहीं क्या कहेंगे, कोई भी सरकार तो उन्हें कमी है या और क्या कहेंगे। चलिए बड़ी, और भी हम छात्रों से जो है बात करते हैं। बिल्कुल, ये छात्राएं हैं, इनसे हम बात करते हैं। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? नहीं डरिए नहीं, आपने एग्ज़ाम भी अच्छे से बात करिएगा। बढ़िया रहा एग्ज़ाम। और मैं ये जानना चाहूँगा कि आप कितने घंटे पढ़ाई करती हैं, कौन कौन सी किताबें पढ़ती हैं, सवाल सबसे जनरली मेरा, ताकि जो आपको देखें वो भी उन किताबों को पढ़ सकें, उन्हें कुछ मदद मिले। कुछ बताएंगी आप? कौन कौन बोलना चाहे, कुछ कोई कहेगा कुछ एग्ज़ाम के बारे में कुछ? सबसे पहले अपना नाम बताइएगा आप। कैसा रहा एग्ज़ाम आपका? क्या कहेंगे लक्ष्य टीम द्वारा जो ये गठन किया गया था, एग्ज़ाम करवाया गया था? अच्छा रहा, इससे थोड़ी आगे के लिए भी मोटिवेशन प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। बिल्कुल, भविष्य में आप बच्चों का फ्यूचर खुद संवारने वाली हैं, एक टीचर बनने वाली हैं, आप कई बच्चों को पढ़ाएंगी जो भविष्य में अपने देश का, अपने गाँव का, माँ बाप का नाम रोशन करेंगी, तो कुछ खास संदेश अभी से उन बच्चों के लिए, आप या टीचर बनी तो क्या बदलाव करेंगी, कैसे बच्चों को पढ़ाएंगी आप? बदलाव यही है कि और बच्चों की भांति ही उन्हें पढ़ाएं, जैसे में उनका मन लगे वैसे ही पढ़ाएं, और जैसे कि फैमिली वाले भी हैं तो उनका सहयोग करें तो ज़्यादा अच्छे से रहें। बिल्कुल, आप मुझे दिख रहे हैं आप शादीशुदा हैं, तो घर से क्या ससुराल से कोऑपरेट करते हैं सब लोग पढ़ाई लिखाई को लेके? उसके लिए कोई दबाव नहीं है, मतलब मुझे फुल आज़ादी है, जैसे भी मैं पढ़ सकूँ चाहे जो कुछ भी करूँ, मुझे इससे ये नहीं लग रहा कि हाँ मेरी शादी हो गई है तो कोई रोक टोक। बिल्कुल, जनरली ज़्यादातर क्या होता है खासतौर हमारे बुंदेलखंड में, लड़कियों की शादी हो जाती है तो उन्हें कैद कर लिया जाता है, जैसे तैसे माँ बाप तो पढ़ाते हैं लेकिन ससुराल में जाने के बाद वो दहलीज नहीं लांग पाती हैं, तो उन जो ऐसे पति हैं जो अपनी महिलाओं को, अपनी पत्नियों को अंदर रख के रखते हैं, पढ़ाते नहीं, तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? वैसे ऐसा नहीं करना चाहिए, जैसे पति चाहती है कि हाँ हम लोग भी आगे जाके कोई कुछ करें, ऐसी लड़की भी चाहती है कि मैं अपनी पहचान खुद बनाऊं, तो मैं नहीं चाहती कि किसी भी हस्बैंड को या पति को ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप भी कुछ कहेंगे, कैसा रहा एग्ज़ाम आपका?
नहीं डरिए नहीं, शांति से जो है कैसा रहा एग्जाम? नाम बताइए सबसे पहले आपका, कैसा एग्जाम? बढ़िया रहा? कौन कौन सी किताबों से पढ़ते हैं, कितने घंटे पढ़ते हैं आप घर पे, कितने घंटे पढ़ाई होती है? कोई एक दो किताब जो आपको देखे कोई छात्राएं हो छात्र हो ताकि वो भी वो किताबें पढ़े। अच्छा अच्छा, अगर आप टीचर बनी भविष्य में तो क्या बदलाव करेंगे बच्चों में, क्या तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपसे भी थोड़ा बात करना चाहूँगा। आप कुछ कहेंगी? बढ़िया रहा एग्जाम? नहीं, कुछ कुछ जनरल बातें करनी है, कुछ वैसी बातें नहीं है। हाँ, सबसे पहले तो अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम मारिया। अच्छा, अब आप भी शादीशुदा हैं, जैसे बहुत सारी यहाँ खासतौर पे छात्राओं का अच्छा खासा रेशियो है, तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगा, जैसे जनरली जो लड़कियों की शादी होती है ससुराल जाती हैं, उसके बाद पढ़ाई लिखाई से उन्हें रोक दिया जाता है, तो ऐसे ससुराल वालों को ऐसे पति को क्या कहेंगे आप, कुछ संदेश देना चाहें? उनको पढ़ाई से नहीं रोकना चाहिए, उनको आगे बढ़ने देना चाहिए उनको, और मतलब उनकी एकता दिखाने का मौका देना चाहिए। ये छोटी सोच वाले लोग ज़्यादातर करते हैं, लेकिन हमारे साथ ऐसा नहीं है। चलिए बढ़िया, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर हम ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में थे और लक्ष्य राठ की टीम द्वारा ये एग्ज़ाम जो टेट का स्पेशल एग्ज़ाम वो करवाया गया था। आज जो टेट की स्पेशल परीक्षा थी वो सफल रही यहाँ ब्रह्मानंद इंटर कॉलेज में। तो यहाँ के जो संयोजक हैं जिन्होंने सब ये कारोबार संभाला और जो एग्ज़ाम है वो सफल रहा, तो मैं सबसे जानूंगा कि कैसा ये एग्ज़ाम जैसे आपने जो सोचा था उसके अनुरूप रहा या नहीं रहा? हाँ, बहुत बढ़िया रहा। वैसे ये जो लक्ष्य है, जो सामाजिक संगठन है ना, इसका पर्पज ही है कि जो शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक करना, या जो हमारे समाज के लोग हैं जो शिक्षा से बहुत दूर है उनको इसे माहौल में लाना, इसी पर्पज से ये परीक्षा की गई थी TET की। भरसक प्रयास किया गया है कि बिल्कुल इसका जो क्वेश्चंस का जो स्तर है वो हमने एक सरकारी जो एग्ज़ाम होती है उस स्तर के हमने क्वेश्चन रखे। बच्चों ने बड़े उत्साहपूर्वक इन इस परीक्षा में हिस्सा लिया, काफ़ी प्रशंसा भी की लोगों ने, बहुत विधिवत तरीके से ये परीक्षा हुई जो बच्चों के लिए बहुत हितकर साबित होगी। जो आने वाली परीक्षाएं हैं उसमें बहुत लाभ मिलेगा बच्चों को, ये हमारी प्रयास है और ये हमारी आशा भी है। बिल्कुल सर, जैसे कुछ बच्चे जो है कुछ परसेंटेज बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के बावजूद नहीं आए हैं, तो उनके लिए क्या कहेंगे? फिर जो आए हैं डिसिप्लिन में रहे हैं अच्छे से एग्ज़ाम दिया, उनके लिए क्या कहेंगे? जो आए नहीं हैं, ये चैत का मौका था, कुछ बच्चे ऐसे आगे काम में लगे रहते हैं और कुछ थोड़ी बहुत जो हैं तैयारी नहीं कर पाते तो उस डर से भी नहीं आए, लेकिन ज़्यादातर बच्चे आए हैं और बहुत ही अच्छे ढंग से डिसिप्लिन में बच्चों ने परीक्षा दी है, किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत पैदा नहीं हुई। बिल्कुल। हाँ, हम जो लक्ष्य राठ टीम के अध्यक्ष हैं उनसे भी जानते हैं कि क्या सोच के एग्ज़ाम कराया था, फिर एग्ज़ाम आपके अनुरूप रहा या नहीं रहा? एग्ज़ाम बहुत अच्छा रहा है, और एग्ज़ाम इसलिए कराया गया था कि बच्चे TET की जो तैयारी कर रहे हैं, तो पहले ये सोचा था कि एग्ज़ाम जल्दी हो जाएगा, तो उसके बाद अभी मई में डेट निकली है, तो हो सकता है कि आगे भी शायद सोचें कराने का, लेकिन ये एग्ज़ाम बच्चों को अच्छा साबित होगा, तैयारी उनकी पता चल जाएगी। बिल्कुल, जो बच्चे कोचिंग कर रहे हैं कि हमारी तैयारी किस तरीके से चल रही है, और बहुत अच्छी तरीके से सबका सहयोग रहा। मैं सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, सभी लक्ष्य परिवार को और अन्य साथियों को जो सहयोग दिया है, और जय स्वामी जी। बिल्कुल, तो ये लक्ष्य के जिलाध्यक्ष थे देवेंद्र महान जी। मैं मनोहर जी से जानना चाहूँगा कि जो बच्चे डिसिप्लिन में रहे हैं अच्छे से एग्ज़ाम दिया है उनके लिए क्या कहेंगे, और ख़ासतौर पर ये रिज़ल्ट जो है वो कब आएगा? देखिए राघवेंद्र जी, ये परीक्षा आज संपन्न हुई है, बच्चे तो बहुत ही डिसिप्लिन में थे, हम अपने मन से नहीं कह रहे, जिन लोगों ने देखा है बहुत ही शांत भाव से उन्होंने दिया। रही बात रिजल्ट की, तो रिजल्ट हम लोग जो इसकी आंसर्स की है, आंसर शीट है, उसको फेसबुक वगैरह पे सोशल मीडिया पे हम कल ही अपलोड कर देंगे, हो सकता शाम तक कर दें, और इसका रिजल्ट आउट अगला जो संडे आएगा उसमें रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, और इसके बाद जो कार्यक्रम होगा जो बच्चे top 10 में होंगे उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, और हम धन्यवाद करेंगे अपने पूरे साथियों का कि पूर्ण मनोयोग से 3-4 दिन से तो
हमारे सभी सदस्यों ने बहुत अच्छा सहयोग किया और उसमें हम लोग जितना भी बन सका वो सफल हुए, या वो तो बाहर वाले लोग मूल्यांकन करेंगे कि जो बच्चे नहीं आए हैं उनके लिए, और साथ ही साथ जो आए हैं उन्होंने एग्ज़ाम दिया है, और भी जो बच्चे जिन तक अभी ये सूचना नहीं पहुंची थी और आगे भी मैंने जाना है कि आगे भी आप लोग ऐसे एग्ज़ाम कंडक्ट कराते रहेंगे, तो उनके लिए भी क्या कहेंगे आप? देखिए रावण जी, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी कि हर बच्चों तक ये खबर पहुँचे कि जो हम लोग स्वामी ब्रह्मानंद प्रतिभा खोज परीक्षा करा रहे हैं उसकी जानकारी फेसबुक पर, व्हाट्सएप के थ्रू और कोचिंग्स में जाकर सबको जानकारी दी कि इस तरह का हम एक एग्ज़ाम करा रहे हैं, आप आइए उसमें पार्टिसिपेट करिए। ये एग्ज़ाम जो हम करा रहे हैं इसका उद्देश्य केवल ये था कि आपकी कितनी तैयारी है, उस तैयारी में आपके अंदर अभी कितनी कमी बाकी है वो कमियां आपको पता चले, ताकि जो मेन एग्ज़ाम होना है उस एग्ज़ाम के पहले पहले आप उन कमियों को पूरा कर सकें। जनरली बच्चे कुछ गलतियां कर जाते हैं, जैसे गोला भरने में गलतियां कर जाते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते हैं, या और भी दूसरी तरह की गलतियां करते हैं, तो वो उन गलतियों का सुधार हो यहाँ पर, इसके लिए एग्ज़ाम कराया गया था। और आगे भी कोशिश रहेगी कि जो फाइनल एग्ज़ाम होना है टेट का, उसके पहले हम एक और एग्ज़ाम इसी तरह का कराएं, जिससे बच्चों में गलतियां होने की जो फाइनल एग्ज़ाम है उसमें गलतियां कम से कम करें। बिल्कुल, धन्यवाद आपका। हमारे साथ विपिन जी हैं जिन्होंने देखा है कि बच्चे चीटिंग ना कर सके, तो आज के जो बच्चे आए थे मैं आपसे जानना चाहूँगा, कोई ऐसा तो नहीं था या किसी की चीटिंग वगैरह पकड़ी हो आपने? जी, चीटिंग किसी बच्चे ने नहीं की है। मैं रूम नंबर 40 में था, ये कच्छ निरीक्षक, बहुत ही शांत भाव से और पूर्ण मनोयोग से बच्चों ने पेपर दिया है। और जब मैं पेपर ले रहा था, बाद में जैसी घंटी बजी तो एक बच्ची के कुछ क्वेश्चन छूट रहे थे, वो कहें प्लीज़ सर जी मुझे कर लेने दीजिए। मैंने कहा बेटा इसी चीज़ का तो आपसे एग्ज़ाम लिया जाता है कि टाइम मैनेजमेंट के अंतर्गत उस टाइम के ढाई घंटे के अंदर ही आपको सभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एट लास्ट उस बच्ची के चार क्वेश्चन छूट ही गए। हम आशा करते हैं कि अगली एग्ज़ाम में वो बच्चे, इस प्रकार के जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो गलतियाँ ना करें। यही एक हमारा पर्पज रहता है कि बच्चे गलती से सबक लें, अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएँ और अपना नॉलेज बढ़ाएं, आगे आने वाली एग्जाम में सफल। बिल्कुल, हम आपसे भी सबसे जानना चाहेंगे, टीम वर्क आपका जो है शुरुआत से दिख रहा है मुझे, तो कैसा रहा आपकी नज़रों में सफल रहा एग्ज़ाम, कैसा रहा? अच्छा, देखिए स्वामी जी का उद्देश्य ही था कि पिछड़े क्षेत्र से बच्चे निकल कर आगे जाएं, अच्छी शिक्षा लें और शिक्षा के साथ साथ अच्छी नौकरियाँ भी लें। वही उद्देश्य को लेकर हम स्वामी जी के पदचिन्हों पर कोशिश कर रहे हैं कि स्वामी जी का जो मिशन था उसको पूरा किसी न किसी तरीके से हम सब लोग राट लक्ष्य परिवार मिलकर पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये हमें लग भी रहा है कि बच्चों को, मैं 41 नंबर रूम में था तो बच्चों ने भी बहुत अच्छे से पेपर किया, और मैंने पेपर को भी देखा तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा, मुझे लगता है कि किसी किसी बच्चे के 80% तक नंबर आ सकते हैं, और इससे हमें ये लगता है कि बच्चे आने वाले एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से सफल होंगे, और ये मैंने देखा है। बिल्कुल, हम मिलते हैं सुधीर जी से और हम सुधीर जी से जानेंगे इस एग्ज़ाम के बारे में, साथ ही साथ कई बच्चे इनके संरक्षण में इनसे पढ़ के अच्छी नौकरियां पा चुके हैं। तो मैं सबसे पहले शुरुआत करूँगा, आप कुछ किताबें बताएँ जिनको पढ़ के बच्चों को भविष्य समझ सकता है। अब किताबों के बारे में तो ऐसा है कि बहुत सारी कंपटीशन की पुस्तकें आती हैं, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग पर्टिकुलर जो बुक्स हम यूज करते हैं उनको बच्चों को पढ़ना चाहिए, खास करके NCERT की जो पुस्तकें हैं उन पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि उनके तथ्य बहुत साफ सटीक होते हैं और ज़्यादातर एग्ज़ाम में वो मान्य होते हैं। और जैसे साइकोलॉजी और सब्जेक्ट वाइज बात करूँ मैं, तो आप कौन सी किताबें चाहेंगे कि बच्चे जो हैं वो ये पढ़ें, इनसे उन्हें ज़्यादा लाभ मिल सकता है? देखो, अब अलग अलग एग्ज़ाम के पर्पस से जो किताबें होती हैं वो अलग अलग होती हैं। अब पर्टिकुलर किसी एक ब्रांड का नाम लेना शायद उचित नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी बच्चे जो भी पढ़ें, जो भी पुस्तक पढ़ें उसको बेहतर ढंग से पढ़ें, और ख़ास करके पढ़ने के बाद प्रैक्टिस करें। नोट्स भी बच्चे पढ़ लेते हैं, नोट्स से भी फ़ायदा होता है, लेकिन प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस में बहुत सारे प्रश्न लगाएं और उनको समझें कि कितना माइनर डिफरेंस के साथ प्रश्न बदल जाता है, कि जैसे एक छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, एक आज क्वेश्चन पूछा गया था, मैं क्वेश्चन आज बता रहा हूँ कि मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला,
तो उसमें एक छोटा सा मेंशन किया गया था कि भारत में, और चूंकि बच्चे को ज़्यादातर विश्व की याद रहती है तो जल्दी से जो ऑप्शन उसका था विलियम बुंट वो लगा गए, जबकि यहाँ सेन गुप्ता को आंसर लगाना चाहिए था, तो बच्चे शायद वहाँ पर गलती करे होंगे या बहुत बच्चे ने समझा होगा तो उन्हें सही भी लगाया होगा। तो ऐसे प्रश्नों की बारी की केवल हम प्रैक्टिस से ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि याद करने से हमें याद रहता है और याद करने में कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं अगर बहुत अच्छी हमने प्रैक्टिस नहीं कर रखी है प्रश्नों की। बिल्कुल, बच्चों के लिए कोई खास सलाह, छात्रों के लिए कोई खास सलाह आपकी? बस प्रयास करते रहें और एकदम लग के प्रयास करें, ये ना देखें कभी कभी एग्ज़ाम जब दूर होता है तो बच्चे हतोत्साहित होते हैं, उनको लगने लगता है कि अब एग्ज़ाम नहीं है तो ना पढ़ें। तो मेरी तो केवल एक सलाह है कि एग्ज़ाम चाहे जब हो लेकिन तैयारी हमेशा रोज़ करनी चाहिए, प्रतिदिन करनी चाहिए, एक सीक्वेंस में करनी चाहिए और निश्चित तरीके से हमें अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर रहना चाहिए, क्योंकि जब एग्ज़ाम होगा उस दिन हम अपना झंडा उस दिन गाड़ पाएँ और सफलता प्राप्त कर पाएँ। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएँ सभी बच्चों को कि वो आगे अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। धन्यवाद। बिल्कुल, तो यहाँ पर आज जो लक्ष्य टीम द्वारा टेट का स्पेशल एग्ज़ाम करवाया गया था वो सफल रहा, सभी स्टूडेंट अपने अपने घरों को जा चुके हैं, जो लक्ष्य स्वयंसेवक हैं वो अपने काम में लगे हुए हैं। तो धन्यवाद आप सभी का हमें देखने के लिए, और लक्ष्य टीम को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि वो इस अच्छे काम में नेक काम में लगे हुए हैं।